Good morning, everybody. चलिए टुडे लेट अस बिगिन विद टुडे सेशन. सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, द वर्क दैट आई हैड गिवन टू यू अ डे बिफोर यस्टरडे, क्या आप सभी लोगों ने वो काम कर लिया है? हैव यू ऑल कंप्लीटेड दैट वर्क? ओके फाइन, तो लेट अस बिगिन विद टुडे सेशन. चलिए शुरू करते हैं. तो मे आई प्लीज हैव द टीम मेंबर्स ऑफ टीम ए, टीम नंबर 1 के जितने भी मेंबर्स हैं, कैन यू प्लीज कम अहेड. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. टीचर बात नहीं. बस जस्ट अ सेकंड प्लीज सर. मैडम बनाइए. यस, वो आई एम सीइंग ओनली, आई एम एबल टू सी मीनाक्षी, दीपिका, Priya and Jasmeet is, I guess Jasmeet is absent, right? No, ma'am. Here, Jasmeet, can you please shift into the camera so that I would be able to see you? Thoda sa, please shift a little bit more. Yes, all the team members are present, right? Okay, so who is the team representative? Priya? Yes, ma'am. Yes. So everybody of you, have you all completed your work? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is your team name? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए. Have affables. Affables. That is not affables class. This is affables. Okay. What is it? This is affables. Yes, affable. What is it? Affable. Yes, Manya. What is it? Affable. Affable. Yes. So affable का मतलब आपको पता है? आपने क्या आपने पहले वर्ड सुना है? नहीं. No. तो आपने कल जैसे आपको टीम का मेंबर्स पता चले, टीम का नाम पता चला, तो डिड यू ट्राई टू लर्न द वर्ड affable का मतलब ढूंढा किसी ने? Yes. मैम सुशील. सुशील. प्रिया, एफेबल्स का मतलब सुशील नहीं होता है. एफेबल का मतलब होता है वो जिससे बात करना बहुत आसान हो. ओके, मतलब देखिए कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत आराम से बात कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत आराम से बात नहीं कर पाते हैं, कुछ होते हैं. तो एफेबल्स का मतलब होता है वो जिससे बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो. तो यू ऑल आर एफेबल्स फॉर मी. ओके. ओके, तो व्हाट वाज द टॉपिक दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू? My school. Yes, my school. My schedule, not my school. It's my schedule. Yes. So have you all done your work? Yes, ma'am. So shall we start with Meenakshi? Meenakshi, have you done your work? Yes, ma'am. Yes. Okay. So padhna start kijiye. Read it out. Yes, Meenakshi, please read. Good morning, ma'am. Good morning, Meenakshi. How are you doing? I'm fine, ma'am. चलिए अब start reading the passage that you have written. अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको पैसेज दिया है माय स्केड्यूल, उससे आपको क्या समझ में आया? क्या मतलब होता है माय स्केड्यूल का? रूटीन.
रूटीन, दैट इज रूटीन, यस. कि आप सुबह से उठ के क्या करते हैं, उसके बाद सुबह क्या करा, फिर स्कूल आए, उसके बाद वगैरह वगैरह, आपका पूरा दिन का जो टाइम टेबल होता है सॉर्ट ऑफ, दैट इज योर स्केड्यूल, राइट. चलिए, अच्छा, कैन वी हैव योर स्केड्यूल प्लीज, आई वुड लाइक टू रीड इट. Hey, my name is Meenakshi. January. Okay, please don't help her. Let her read herself. अपने आप पढ़ने दीजिए. Don't help her. Yes, Meenakshi. मीनाक्षी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. हे, माय नेम इज मीनाक्षी. Generally, I get wake up first. Five PM. It's not PM. It's AM. PM कब use करते हैं? PM हम use करते हैं शाम के समय के. Okay. सुबह के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एएम. I am Bashur Bath and get ready when for school is spent around 7 hours. Please don't help her. उसे अपने आप रीड करने दो. Yes. मीनाक्षी थोड़ा जोर से पढ़िए. I'm not able to hear you at all. Meenakshi, say it a bit louder. Please follow Meenakshi. Padho tez. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है. तेज बोलो. Bye. पढ़ो तेज. बाय कैसे आते हैं आप घर? बाय फुट, बाय बस, बाय ऑटो, कैसे जाते हैं आप घर?
बस तो आप बस बोलिए आई रिटर्न होम बाय बस ठीक है मीनाक्षी इसको रीड कीजिए ठीक है इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज आपकी रीडिंग बहुत वीक है ठीक है तो आप सभी क्या करेंगे घर पर जाकर अच्छे से इसको रीड करेंगे ओके ओके जसमीत आर यू रेडी विद योर पैसेज यस मैम ओके स्टार्ट रीडिंग Hey, my name is Jasmika. I get up in early morning in 5:30 a.m. Then I take bath. Then I go to do breakfast. Then I go to school. I come from school 2:20 p.m. I return back home by auto. After having my lunch, I take some rest. In the evening, I play some game with my friends. I enjoy this time. After coming back home, I complete my homework. I help my mother in the cooking, prepare food. Then we do dinner together. This is my favorite time of the day. Then we all sleep. Okay, very fine. That nice to hear your schedule. Very good. Just me. Very good. और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं किया यू मॉडिफाइड इट अ लिटिल बिट बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और बेटर करने का ट्राई करेंगे ठीक है वेरी गुड नाइस ट्राई आई अप्रिशिएट योर एफर्ट ओके वेरी गुड नेक्स्ट कैन वी हैव द टीम रिप्रेजेंटेटिव प्लीज प्रिया Yes, ma'am. Yes. Please read your passage. Hey, my name is Priya Gupta. Generally, I wake up at 6 o'clock a.m. in the morning. Priya, please wait a minute. You will not say 6 o'clock a.m. Either you will say 6 o'clock in the morning, या फिर आप बोलेंगे 6 a.m. Okay? ओके तो दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे 6 o'clock AM is not the right word either you will say 6 o'clock in the morning or you will say 6 AM ओके अच्छा सभी बच्चों को पता है AM कब यूज करते हैं और PM कब यूज करते हैं एवरीबॉडी यस मैम AM कब यूज होता है इन द मॉर्निंग बिफोर 12 अभी जैसे 12 बजने वाले हैं द क्लॉक इज अबाउट टू स्ट्राइक ऑन 12 उसके बाद जो टाइम होगा दैट इज ऑल In PM और इससे पहले जो हो गया that is all AM yes AM तो ध्यान रखिए okay आप O clock कब use करेंगे O clock देखिए जैसे अभी प्रिया ने पढ़ा 6 o'clock AM in the morning तो 6 o'clock दिन में दो बार बजते हैं एक बार सुबह और एक बार शाम को है ना तो 6 o'clock के साथ in the morning in the evening लगता है लेकिन जब आप 6 AM बोल देते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं ओके Yes, Priya, please continue. 6 a.m. in the morning. In about an hour, I bath and get ready for school. Around 7:30 a.m., I reach the school and spend around 7 hours there. Then around 3 p.m., I return back home by auto. After having my lunch, I take some rest. In the evening, I play badminton with my friends. I enjoy this time the most. After coming back home, I complete my homework. Later on, I help my mother in kitchen to prepare dinner. When my father returns home, we all sit together and have dinner. This is my favorite time and time of the day. As we all sit together and eat. Then we all sit in the hall and watch television. Around 9 p.m. we get on the bed to sleep. ओके वेरी फाइन नाइस बट प्रिया और सभी बच्चे सुनेंगे सी जो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कराया जाता है दैट इज जस्ट फॉर योर हेल्थ आप कोशिश कीजिए कि उसे बिल्कुल कॉपी नहीं करना है आपको क्या करना है उसे थोड़ा सा उससे हेल्प लेनी है और उसके बाद अपना पैसेज खुद लिखना है ओके
Nice try, Priya. Very good. Very good. Everybody, please have a round of applause for Priya. Very good, Priya. Next, can we have Manya? Are you ready with your basket? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Manya. How are you doing? I am fine, ma'am. And you? I am also fine. Thank you for asking. Yes. Please read your passage. Hey, my name is Manya Sharma. Generally, I work up daily 7 a.m. in the morning. About an hour, I bath, get ready for school around 7:50 a.m. I leave the school and stand around 8:10 a.m. Wait. Manya, please repeat the line. What you said? Manya, school and spend around 8:10 a.m. Manya, wait. इस लाइन का मतलब क्या है? If this line is I reach the school and spend around dash hours there. इसका मतलब क्या है कि आप कितने घंटे स्कूल में बिताते हैं? Like if you say आप 8 बजे स्कूल आते हैं suppose. और आपकी छुट्टी किस टाइम होती है? Let's say it is around 2. Okay? तब suppose तो कितने घंटे हुए? Count कीजिए 8 के बाद 9, 10. 11, 12, 1, 2, 13, it's 1, 2. कितने बजे? 2 बजे तक. कितने घंटे हुए? 6.5 घंटे approximately saying 2, है ना? तो लगभग 6 घंटे हुए, तो आपको वहाँ पर 6 hours दिखना है, ओके? अब आप अपना टाइम कैलकुलेट करके वहाँ पे फिल कर लीजिए, ओके? कि आपकी छुट्टी किस टाइम होती है, आप स्कूल किस टाइम आते हैं? Yes. Then around 3 p.m. I rest. Return back home by auto after having my lunch. Manya, listen. जब भी जहाँ पर there is a full stop और there is a comma, वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या लेना होता है? Yes, gap लीजिए या थोड़ा सा break लीजिए, okay? तो दोबारा रीड कीजिए. Then around dash pm, what you have written? 3 pm. I return back home by auto after having my lunch. I take some rest in the evening. I play badminton with my friends. I enjoy this time most. After coming back home, I complete my homework. I help my mother in the kitchen to prepare dinner. But when my father returns home, we all sit. Together and have dinner. This is my favorite time of the day as we all sit together and eat lunch, dinner. When we all sit in the hall and watch television around 8:30 p.m. we get on the bed to sleep. Oh, but 8:30 is so early. Fine. That's okay. Very nice try, Manya. Very good. Everybody, please have a round of applause for Manya. Okay. So next can we have Tanish? Have you done the passage? Yes, ma'am. Okay, please start reading. Hi, my name is Tanish. Generally, I wake up 5 a.m. in morning in about an hour. Wait, that is not hour, that is hour. Okay? Hour. I bath and spend around 6 hours.
are there than a around 3 p.m. I return back home by van. After having my lunch, I take some rest in the evening. I play cricket with my friend. I enjoy. I drive the bus after coming back from home. I complete my homework letter. I help my mother in the cooking to prepare food when my father returns. Together have dinner. My favorite time of the day as we all sit together, eat. And we all sit in the hall and get on the bed. ओके तनिष बट एक बार जरूर ध्यान दीजिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जहां पर भी फुल स्टॉप होता है देर इज अ कॉमा और देर इज एनी पंक्चुएशन मार्क तो वहां पर आपको पॉज जरूर लेना है ओके ओके फाइन ओके तो हु इज लेफ्ट आई गेस दीपिका हैवंट यू रेड इट येट राइट तो प्लीज हैव योर पैसेज प्लीज रीड योर पैसेज Hey, my name is Deepika Pal. Generally, I wake up at 5 a.m. in morning. Deepika, most of you had skipped at. So you should say, generally, I wake up at 5 a.m. in the morning. Okay? Generally, I wake up 5 a.m. At 5 a.m. in the morning. At 5 a.m. in morning, in about an hour, I bath and get ready for school and spend around 7:30 Then around 2:20 p.m. I return back home by bus. After having my lunch, I take some rest. In the evening, I play some other sport with my friends. I enjoy this time the most after coming back home. Wait, because jahan par full stop hai, you need to get a pause. You need to stop there. फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है बस सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो जब सेंटेंस हो गया है तो यू शुड स्टॉप राइट देयर ओके थोड़ा सा गैप लेके उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट कीजिए यस प्लीज रीड इट अगेन आई प्ले सम अदर स्पोर्ट विद माय फ्रेंड आई एंजॉय दिस टाइम द मोस्ट ओके व्हिच अदर स्पोर्ट डू पिक अप व्हिच अदर स्पोर्ट डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स Hide and seek. So hide and seek likhiye. Any other sport nahi likhna hai. You should write hide and seek. Okay. I play hide and seek with my friend. I enjoy this time the most after coming back home. I complete my homework later. I help my mother in the cooking to prepare food. When my father returns. Home well sit together and we all that is not well देखिए जहाँ पर ऊपर apostrophe लगा होता है वो short form होती है w e apostrophe l l that is we will okay we all sit together and have dinner this is my favorite time of the day as we all sit together then we all sit in the hall and get on the bed to sleep then we all sit in the hall and watch television and around dash pm we all get to bed to sleep okay very nice try deepika very good
Very good team, very good team, Affables. You did a fantastic job. It was far beyond my expectation. बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों ने अपना work किया है and very good. Keep it up. Fine. Class, please give me 2 minutes. Yes, class. Next, can we have team enthusiasts? Team number 5, enthusiasts, please come ahead. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Class, I'm not able to see you. Ma'am, can you please switch off the camera and then please switch it on? अभी आपको कितना चलेगा ये? एक सेकंड भाई, कट कर एक सेकंड, मुझे वही से बता दो. Ma'am, can you please switch on your camera?
Please ask your teacher to switch on the camera. स्टार्ट वीडियो करने के बाद वो नहीं हुआ है. ओके ओके कर दिया. इसके बाद नहीं हुआ था. ये अब आया. हाँ मैं मिस. अब हो गया स्टार्ट. अब आ गए ना. सब आ गए. हाँ मेरा हाथ रटेगा ना. थोड़ा एक काम करो. पीछे हो जाओ. पीछे सब आओगे. आगे ज्यादा हो गए. पीछे हो जाओ. अब आओगे. अब आ गए ना. अब ठीक. अब बोलो. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. यस वैष्णवी कैन वी स्टार्ट विद योर पैसेज प्लीज. Hey, my name is Vaishnavi Verma. My aim is life is become a teacher. The aim of my life is. My aim in life is become a teacher. You should say the aim of my life. Okay. The aim of my life is become a teacher. I love to teach and help others learn new things. Teacher play an important role in shaping. Shaping. Yes, if you are not able to pronounce it, please spell it. Vaishnavi, agar yes, agar aapko word padhna nahi aa raha hai, to spelling padhiye. I'll help you pronounce it. S H A P I N G. Yes, it's shaping. Shaping mates of children. I want to inspire children and make a positive impact on their lives. I want to make learning fun and enjoyable for my students Vaishnavi, if you're not able to, I already told you, if you're not able to pronounce the word, उसकी स्पेलिंग बोलिए. आई हेल्प यू प्रोनाउंस इट. ओके. बी ए सी ओ एम आई एन जी. यस दैट इज बिकमिंग. बिकमिंग ए टीचर. आई कैन शेयर माय 94 ए एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई. नाम क्या. यस व्हाट इज इट. इट इज नॉलेज. Knowledge and expression with my students. My okay, Vaishnavi, that shouldn't be expression. That might be experience. Experience with my students. My G O A L. What is it? It's goal.
goal in to be a positive role model for my students. Very good. Fine. Is it completed now? Yes, ma'am. Very good. Okay, Vaishnavi, have you written it on your own? Or have you taken the help of somebody else? You surely have taken the help, right? Yes, ma'am. Okay, so whose help you took to write this passage? Ma'am, my mother. Very fine. Nice try. Okay, Vaishnavi, but you should be trying to write the passage on your own. Very good. Nice try. Everybody, please have a round of applause for Vaishnavi. Very good. Next, can we have Lovely? Lovely, have you done your work? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Lovely. Yes. Please read your passage. Okay, my name is Lovely. My aim in life is to become a good teacher and is someone who help us making our character. Yes, it's character. Character, yes. Yani charitra. Character. Character make us will educated after our parents. It is our teacher who introduces us with motivation. Yes, Lovely, please read. Bravery. Bravery. Yes. Bravery and all possible great. Equalities in this way they make human beings society. It's society. Society. Mm-hmm. So the word. Okay. Okay, Lovely, from where have you written the passage from? Myself. You have written it on your own? Ma'am, myself. Yes, you have written it on your own. You yourself has written this passage? Yes, ma'am. Very fine. Nice. I'm impressed with your writing skill. Very good. Okay, everybody, please have a round of applause for Lovely. Very good. Ma'am, can you please switch off and switch on the camera? I'm not able to see the students. आगे आ जाओ मुझे बताइए पीछे के बेटा इतने आगे आओ तो पीछे बैठ जाओ इसलिए
ये सारी जब हम आगे Yes, team number, team enthusiast, very good. Next, can we have Avantika? Avantika, please read your passage. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hey, my name is Avantika Kumari. My aim in life is to become a good teacher. A teacher is someone. Oh, wait, everybody is willing to be a teacher here. Yes. Team enthusiast is going to be the future teachers, right? Very good. Yes, please continue, Avantika. It helps us making our characters, makes us well educated after our parents. It is our teacher who produces us with all the goods and bads of life. The teacher fills us with motivation, bravery, and all possible great qualities. In this way, they make human being so the society, so the world from the scratch to the higher level. A teacher, someone who always stands behind us, our teacher helps the society to move towards a brighter destination. They educate people so that they can live their best life. A teacher has the power to change the world. We students learn many things just by looking at and observing our teachers. I, as a teacher, want to fill myself with good qualities and good thoughts so that my students can follow them. Okay, Avantika, have you completed? No, ma'am. Okay, please continue. I want to help children achieving their goals and becoming good humans. That is achieving their goals. Achieving their goals and becoming good human beings filled with kindness, gratitude, and great knowledge. In this way, becoming a teacher, I want to contribute to the society with a pure and dedicated heart. Okay, very good, very nice try, Avantika, but lovely. Yes, Avantika, please tell me, from where have you written this passage from? Ma'am, mother. From, by your mother? She had helped you write this passage? Yes, ma'am. Okay, and lovely, from where have you written it? Myself, but both of you are using the same words in the same way. How is it possible? Okay, now tell me honestly. Ab sachi sachi bataiye, from where have you written it? Dono ke dono. Ma'am,
have you copied it from Google? Yes? Ma'am. Yes or no? No, ma'am. No? Lovely? कहाँ से लिखा है आपने? From where have you written it? लवली ने लिखा है आपसे? Lovely. I already told, asked you about it multiple times, right? It's still, अभी भी आपने हाँ नहीं बोला. So I don't want it to be repeated once again. Okay? Write your passage on your own. Lovely, understood? Okay? अब अपना work अपने आप करेंगे. Avantika, don't let anybody copy your work. ओके मतलब मैं नेक्स्ट टाइम उस स्टूडेंट को बाद में डांटूंगी, आपको पहले डांटूंगी कि आपने अपना वर्क क्यों दिया. अंडरस्टूड? ओके मैम. अवंतिका रिमेम्बर नेक्स्ट टाइम एंड लवली डू योर वर्क ऑन योर ओन. ओके ओके तो तूबा मैम अब्सेंट. तूबा इज अब्सेंट. ओके हु इज लेफ्ट? सलोनी. हैव यू डन योर वर्क सलोनी? यस मैम. यस प्लीज कंप्लीट इट सो दैट वी आर गोइंग टू एंड द क्लास. I have, my name is Saloni. My am is in my life. Am Saloni, that is not am, it is aim. Aim in my life is to become a teacher, have the power to सलोनी जो वर्ड आपको पढ़ना नहीं आ रहा है उसकी स्पेलिंग उसे स्पेल कीजिए. आई विल हेल्प यू प्रोनाउंसर. ओके PHANGL CHANGL C okay, so that should not be L, it would have been E. That is change. Change. Yes. Change the world we student learn many things just by looking at attention observing our teachers. Okay, that's it. Yes, ma'am. Fine. Saloni, from where have you done this passage from? फोन से. ओके द नेक्स्ट टाइम ट्राई इट डूइंग व्हाट यू ऑन योर ओन. ओके ओके टीम टीम एंथुसियास्ट वेरी गुड. प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ. वेरी गुड. बट अपना वर्क नेक्स्ट टाइम से अपने आप करना. ओके तो द थ्री टीम्स दैट आर लेफ्ट वी आर गोइंग टू टेक देयर पैसेजेस टुमारो. एंड अब ध्यान रखेंगे, कोशिश कीजिए द टेम्पलेट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, आपको उसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके आपको उस पैसेज को कोशिश करके अपने आप से लिखना है. फाइन? यस मैम. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वी आर गोइंग टू टेक योर सेशन टुमारो. ओके थैंक यू. थैंक यू मैम. Oh, Vaishali, we left you. आप टीम में हो? Yes, ma'am. Okay, Vaishali, we'll be taking your passage tomorrow. Okay.
चलिए क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज एक बार ध्यान रखिए, डू योर होमवर्क ऑन टाइम एंड अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है. ओके ओके क्लास, योर पेरेंट्स शुड बी ऑन इन योर स्कूल. ओके चलिए, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम से जिनके पेरेंट्स आए हैं वेल एंड गुड, जिसके पेरेंट्स नहीं आए हैं प्लीज इंश्योर कि नेक्स्ट मीटिंग में सभी के पेरेंट्स आए. ओके यस मैम. ओके चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून.